और फ्रेंड देखिए अभी जो मैं दिखा रही थी ना, वो हमारा जो किचन के ऊपर जो छत है तो वहीं से ना आम का पेड़ है, तो इतना आम अभी गिरा है ना उसके ऊपर से, बहुत ज़्यादा आम गिरता रहता है। तो दो जैसे हवा चलता ना तो एक दो आ ही जाता मेरे तरफ भी। और यहाँ पे अभी दिखा रहे पानी का टाइम हो गया था तो फिर मैंने मोटर लगाया और मोटर लगा के पानी भर रही हूँ। और बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है आज, और मुझे ना एकदम भी अच्छा नहीं लग रहा है, इतना गर्मी है कि क्या ही बताऊँ। और ये गर्मी से ना वो पाइप है ना नरम पड़ गया है, तो वो घड़ी घड़ी खुल जा रहा है, उसे मतलब बार बार जोड़ना पड़ रहा है, मतलब पिघल जा रहा है एकदम, वो प्लास्टिक के होते ना, तो इसीलिए फिर मैंने कहा थोड़ी देरी पकड़ के रखे तो मैं भर लेती हूँ यहाँ पे। तो बस तो ये वहाँ पे थोड़ी देरी ऐसे पकड़ के रखेंगे मैं फटाफट, क्योंकि वो बार बार खुले जा रहा था। तो बस ये जब फिर यहाँ पे फिर पानी वगैरह हो गया था, फिर मैं अपना आ गई यहाँ पे, फिर काफ़ी टाइम बाद मिल रही थी। फिर यहाँ पे मैंने ये कढ़ाई चढ़ा दिया है और इसमें ये सब डाल दिया है, अदरक वगैरह, ये हरी मिर्च, लहसुन और प्याज सब कट करके डाल देती हूँ। प्याज अच्छे से भून लूँगी। और मैंने तड़का दाल सुबह ही भिगो दिया था और उसे उबाल के रख दिया था। और यहाँ पे मैं मतलब तड़के की तैयारी कर लेती हूँ। तो एक टमाटर कट कर लिया मैंने बड़ा साइज का, और प्याज, हरी मिर्च, लहसुन ये सब मैंने छौंका लगा दिया है। और मैं ना ज़्यादा इसमें मसाले वगैरह नहीं डालती, क्योंकि ज़्यादा मसाला ऐड करने से ना ये लोग खाते नहीं है। जैसे सिंपल दाल हम बनाते हैं ना वैसे ही पसंद है इन लोगों को, सिर्फ मेथी पत्ता डाल दूँगी लास्ट में। और जैसे बहुत जन मतलब इसमें मसाला वगैरह भी ऐड करते हैं, तो मैं सिर्फ नमक ही ऐड किया मैंने, नमक के अलावा हल्दी, मिर्च पाउडर कुछ भी नहीं, सिर्फ हरी मिर्च बस, प्याज और लहसुन और अदरक घिस के डाल दिया था। और यहाँ पे देखिए ये दाल पूरा डालूंगी ना तो ये कढ़ाई के ऊपर बाहर गिरने लगेगा, तो फिर मैंने सोचा कि स्टोपिया में ही डाल देती हूँ, तो ये आस्ते आस्ते हो जाएगा इस पर। तो ये अभी मैंने इसमें थोड़ा पानी और डालना है, फिर इसे धीमी आँच करके खदकने दूँगी, तो जब इसका पूरा पानी सूख जाएगा ना तो तब ये सही हो जाएगा। और ये हरी मेथी पत्ता मैंने साफ़ करके इसमें डाल दिया, हाथों से रगड़ भी दिया था ताकि इसका फ्लेवर अच्छे से आ जाए। और ये बहुत ज़्यादा, फिर जब ये बन जाता ना तो इसमें एक चम्मच घी डाल देती हूँ बस ऊपर से, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में इस तरह। और बाद में आटा वगैरह लगाना है मुझे, तो यहाँ पे ये मतलब होते रहेगा और मैं अपना आटा लगा लूँगी तब तक। और फिर अभी रोटी अभी नहीं बनाऊँगी, तो मेरी पूजा वगैरह कर लूँ उसके बाद रोटी बनेगा मेरा। तो यहाँ पे तब तक मैं नीचे बैठ के आटा लगा लिया था मैंने, और इसे ना ढक के रख दूँगी घी लगा के अच्छे से, ताकि ये सूखे ना। फिर उसके बाद अभी मेरा और भी काम वो रहता है शाम का टाइम, फिर हाथ पैर धोए अच्छे से, फिर पूजा वगैरह भी करना होता है शाम का, दिया बाती, तो वो सब भी मैंने कर लिया है। और फिर यहाँ पे देखते जा रही हूँ, क्योंकि यही बार बार आवाज़ दे रहे थे तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों। फिर मैं देखने गई तो नहीं थे, फिर लग रहा किसी और को आवाज़ दे रहे होंगे। फिर मैं यहाँ पे अपना रोटी बनाने आ गई थी, और इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा था ना कि क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे ये लोग भी आने का थोड़ा टाइम है, तो मैंने सोचा कि तब तक रोटियाँ ही सेक लेती हूँ, फटाफट से हो जाएगा। और तावा को उतार उतार के गैस पे नहीं हो पाता मेरे से, क्योंकि मेरे हाथों में ना मतलब एक हफ्ता होने जा रहा, काफ़ी दर्द है, इतना दर्द है ना, जिस हाथ से सीधा है ना, जो हाथ से खाना खाती हूँ उसी हाथ में काफ़ी दर्द है। दवाई मैंने खाया 2-3 बार मंगा के, लेकिन मुझे लग रहा डॉक्टर ही दिखाना पड़ेगा, तो मैंने 2 दिन से दवाई मंगा के ही खा रही थी। तो इसमें जरा रत्ती भर भी मतलब कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, काम करते के समय नहीं समझ में आता मुझे, उस समय मेरा अलग ही वो रहता है। फिर जब मैं आराम से बैठती हूँ ना तो मुझे इतना दर्द होता है, और वो दर्द ना सहन नहीं हो पाता है मुझे, बहुत मतलब एक ही जगह से इस तरह होता ना कि जैसे पता नहीं क्या करे इसका। फिर तकिया के नीचे और पीठ के नीचे ऐसे हाथों को ढुका के, और ये लोग जब तक घर में रहते तो थोड़ा बहुत दबा देते हैं, लेकिन मेरा तब भी ठीक नहीं हो पा रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब दर्द है। होली के समय जितना मैंने काम किया था ना, मुझे लग रहा उसी वजह से मेरा हो गया, नहीं तो उतना नहीं होता है।
और यहाँ पे ना मतलब ये मैंने ठीक ही सुना था, यही थे ये अपना फ़ोन पे मतलब किसी से बात कर रहे थे, काफ़ी आवाज़ आ रहा था तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था तो क्यों चिल्ला चिल्ली हो रहा था, जैसे कि इनका जो काम जहाँ करते हैं ना तो वही काम हमेशा, देखिए कुछ भी साथ नहीं रहता है, कभी ना कभी तो हमें रिटायर होना ही पड़ता, तो बस वही बात था। तो इनका काम काफ़ी दिनों से मतलब दिक्कत में जा रहा था, तो ये बोल भी रहे थे मुझसे, एक साल पहले भी कहा था कि कभी भी मुझे इस नौकरी को मतलब ख़त्म हो जाएगा, हटना पड़ेगा, सभी कहा मतलब यहाँ पे और भी लोग करते हैं, तो बस वही बात था। तो बस तो वही अपनी परेशानी नहीं बता रहे थे, तो फिर मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो ये हो नहीं था, तो ये 1 अप्रैल के दिन ही होना था ऐसा, तो बस वो हो गया था। तो फिर उसके बाद फिर मैंने ये ना इनको सादा तड़का पसंद नहीं है, तो बस मैंने ऑमलेट बना देती हूँ, और हम लोग तो नहीं खाते हैं तो स्टोव पे, तो हम लोग 2 जन तो नहीं खाते हैं, जैसे मैं और मेरा बड़ा वाला बेटा नहीं खाते, और मैं तो नॉनवेज एकदम नहीं खाती, ये लोग नॉनवेज खाते लेकिन वो अंडा नहीं खाता, उसे अंडा से एलर्जी है। तो बस ये छोटा वाला बेटा का ऑमलेट बना दिया, और इनको इनकी जो दाल जो मैंने बनाया था ना तड़का दाल, वो इस अंडे में भुजिया बना के फिर इसी में ऐड कर दूँगी, तो हमने अपना निकाल लिया है और इनका वाला इसमें ऐड करके रख दूँगी। तो बस तो ये अपना इस तरह खाते हैं रोटी से, क्योंकि सिंपल पसंद नहीं है इसीलिए, और शुरू से ही जब मैं तड़का बनाती हूँ तो इनको ऐसे ही पसंद आता है। तो बस वो मैंने नीचे बैठ के स्टोव जला के स्टोव में मतलब ये सब काम मैं स्टोव में ही कर लेती हूँ, नॉनवेज का जब भी कोई चीज़ बनता है ना तो वो मैं स्टोव में ही बना के उसे रख देती हूँ, तो बस इस तरह हो जाता है। तो ये देखिए ये थोड़ा सा पक जाए, मतलब वैसे तो टाइट ही था, लेकिन फिर उसके बाद ये लोग सभी लोग आ गए थे तो इन सब का मैं खाना निकाल के दे देती हूँ। तो रोटी है, तड़का है, और ये प्याज है, और इनका थाली में एक मिठाई रहता ही रहता है चाहे कुछ भी हो। तो बस फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग का समय हो गया है, तो मॉर्निंग में मैं बहुत जल्दी उठती हूँ, सुबह 5 बजे के भी, 5 बजे तो उजाला हो जाता है लेकिन मैं उससे भी पहले उठती हूँ, उस समय हमारे घर में कोई भी नहीं उठता है, तो हम उठ के पहले हम लोग कपड़ा वगैरह धोते हैं। तो यहाँ पे ना मेरा कपड़ा वगैरह दिख ही रहा है सामने, तो वो मैंने धो के सुखा दिया है, क्योंकि 5 बजे के लगभग मतलब हो जाता है मेरा कपड़ा धो के सुखाना, और कपड़े भी कम नहीं होते, आधा घंटा या 1.5 घंटा लग ही जाता, तो 4:45 बजे या 4:30 बजे उठ के ये सब सारे काम निपटा लेती हूँ ताकि 5 बजे मैं फ्री हो जाऊँ। फिर उसके बाद मेरा दाल चावल धो के रख देती हूँ, कभी दाल चढ़ा देती हूँ तो दाल धो के चढ़ा दिया, और सब्जी कट करके प्याज और मसाले वगैरह रेडी करके सब कुछ रेडी करके रख देती हूँ, ताकि मेरा नहा धो के सिर्फ खाना, बाकी का जो बचा हुआ कुछ खाना होता है वो बनाने लग जाती हूँ पूजा पाठ करके। तो यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि मेरा देखिए सारा काम इस तरह होता है, फिर नहाने धोने के बाद ही मिल रही हूँ, नहाने धोने के क्या पूजा पाठ भी हो गया था मेरा, पूजा वगैरह कर लिया था मैंने, और उसके बाद सीधे आ गई थी किचन में। तो मेरा दाल बन गया है, दाल सामने कुकर में चढ़ा हुआ है दिख रहा है, और यहाँ पे ना ये परवल लाए थे कल तो उसी को धो के कट कर लिया, आलू भी कट कर लिया था मैंने और प्याज भी कट कर लिया, तो इसकी भुजिया बना दूँगी। तो वही पतले पतले मैंने मतलब परवल को काट ली है, परवल हो चाहे पटल हो क्या बोलते हैं कुछ भी बोल लो, फिर इनको अच्छे से एक बार धो दिया था सुबह, फिर एक बार मैंने सोचा कि पानी डाल के एक बार और, काफ़ी समय हो गया धोए तो एक बार और धो लेती हूँ, तो एक बार और पानी डाल के मैंने अच्छे से धो लिया था, और उसके बाद इसे छौंका लगा दूँगी। तो ये देखिए कुछ कुछ चीज़ें नीचे ऊपर करना पड़ता है, और क्योंकि इतना झगड़ नहीं हो पाता ना यहाँ पर इसीलिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपना कढ़ाई चढ़ा के परवल को छौंक दिया है, इसको भूनने में ना थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि ये जब पूरा मतलब इसका लाल कलर में आ जाएगा ना, इसका कलर पूरा चेंज हो जाएगा, तब उसके बाद ही मैं इसे निकालूंगी। तो एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है, एक हाथ से धीमे धीमे चला रही हूँ, अगर इससे स्पीड में चलाऊँ ना तो कढ़ाई उलट जाएगा, क्योंकि इसका जो ये नीचे वाला हिस्सा है ना ये इसके माप का नहीं है, जो हम मैंने दिवाली के समय इसको वो जो पुराना था ना वो सही था, लेकिन वो टूट गया था, उस पर भी मतलब बर्तन नहीं टिक रहे थे, और ये है इस मॉडल का ना अब मिल नहीं रहा है,
तो बस इसीलिए तो ये नाप के लिए आए, लेकिन वो बोल भी रहा था कि ये इसका सेट नहीं खाएगा आपको, और दूसरा मेरे पास है भी नहीं। तो फिर भी हमने ले लिया कि चलो कोई बात नहीं, 4-5 महीने तो हो ही गए देखते देखते, और बस अब थोड़े दिन और है, फिर उसके बाद नया ही देखेंगे। फ़िलहाल तो नहीं लेंगे, लेकिन जब उस घर में जाएंगे तब ज़रूर नया देखूँगी मैं। तो यहाँ पे देखिए परवल को झोंक दिया है, और आलू मतलब और यहाँ पे आलू को धो दिया है, दाल का छौंका तैयार कर दिया मैंने, तो नीचे में दाल रख दिया, क्योंकि एक साथ ऊपर में सारे चीज़ रखना ना पॉसिबल नहीं होता है, डर भी लगता है कि कहीं कुछ गिरने का और होगा, इसलिए कुछ कुछ चीज़ें मैं नीचे रख लेती हूँ और कुछ चीज़ें ऊपर, तो ऐसे क्या कि एडजस्ट करके कर लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए ये अभी भी इसका कलर चेंज नहीं हुआ है, इसे काफ़ी टाइम लगता है भुनने में, जब ये इसका कलर चेंज हो गया है तब मैंने इसे निकाल के, फिर देखिए आलू को कितने पतले पतले और लंबे लंबे मैंने इसे कट करके रखा हुआ है, और प्याज सूखी मिर्च हरी मिर्च ये दोनों ही डाल दिया, क्योंकि हरी मिर्च ही सूख के वो हो जा रही है, एक दो दिन ही ठीक रहती है, उसके बाद पूरा सूख के लकड़ी जैसा हो जाता है। तो बस उसमें एक गाजर भी रखा हुआ था, तो फिर मैंने उसे भी छील के कट करके डाल दिया कि पड़े पड़े ख़राब होगा, इसीलिए मैंने सोचा कि इस भुजिया में ही डाल देती हूँ, कलरफुल भुजिया बन जाएगी। तो बस इसमें डाल दिया, फिर आलू भी ऐड कर दिया मैंने, और इसमें नमक और हल्दी डाला था और कुछ भी नहीं, और फिर उसे ढक ढक के पकाएंगे, तो दाल चावल सब्जी मेरी हो गई है। फिर उसके बाद ये पेड़ का जो आम गिरा था ना वही धो रही थी, और ये देखिए 2 ही दिन हुए हैं, ये काफ़ी पक गए थे, मुझसे छीले ही नहीं जा रहा है, मैं कोशिश कर रही थी, मेरे चक्कू में धार है, लेकिन ये छीलना ही नहीं हो पा रहा मुझसे। तो इसकी मीठी अचार बना जाओ, पहले कच्ची थी लेकिन जब गिरा था, लेकिन देखिए 2 ही दिन में पड़े पड़े कैसे वो हो गया है, काफ़ी मतलब सूख मतलब जैसे पका हुआ आम नहीं होता है रेसे वाला, वैसा हो गया है, और खाने में ना बिल्कुल भी मीठा नहीं लग रहा था, बहुत ज़्यादा दिख रहा है सिर्फ पीला पीला, लेकिन बहुत ज़्यादा खट्टे थे। तो फिर मैंने जितना हो सका इसका निकाल लिया है कट करके, और फिर यहाँ पे ना पापड़ फ्राई कर देती हूँ, क्योंकि आलू की भुजिया है तो दाल चावल तो इन लोगों को उसके साथ थोड़े से पापड़ चाहिए होते हैं। और यहाँ पे देखिए इमली और गुड़ ला दिए थे, तो इमली और गुड़ को मैंने भिगो दिया है, तो इसको भी मैं पका के चटनी बना लूँगी, तो ये दही बड़ा या पापड़ी चाट बनाती हूँ ना तो उसी में ऐड कर मतलब अच्छा लगता है। और यहाँ पे पचफोरन टाइप का भून रही हूँ, क्योंकि ये मीठी अचार में पड़ेगा जो आम मैंने अभी कट करके रखा है ना उसी में। और तो बस यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको मतलब पहले ना धो लिया था, धो के पानी में भिगो के रख लिया था ताकि उसका खट्टापन निकल जाए, लेकिन नहीं उतना नहीं निकला, लेकिन फिर मैंने इसमें गुड़ दो ठो गोल गोल जो होता है ना वैसा मैंने गुड़ डाल दिया है, और आम को पहले पका लेती हूँ थोड़ा सा घी डाल के, और उसी में मैंने थोड़ा सा मतलब ये नमक डाल दिया है और गुड़ भी डाल दिया है, और थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल देंगे ताकि उसमें उसका फ्लेवर अच्छा कलर आ जाए, जैसे उसका कलर होता है ना वैसे तो सादा ही सादा रह जाएगा तो पीला पीला हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। उसके बाद इसमें थोड़ी सी चीनी मैंने ऐड कर दी, अगर आपके पास इलायची हो तो इलायची भी कूट के डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला क्योंकि मेरे पास था नहीं, तो बस इसीलिए। और ये अपना काम पे निकल रहा है क्योंकि टाइम हो गया है जाने का, और मैं अपना खाना वाना दे दिया मैंने इन सबको, तो ये देखिए ये इस तरह का अचार बन के तैयार हो गया। मैंने कैमरा को ध्यान ही नहीं रहा, सेट किया था लेकिन दिख नहीं रहा था काफ़ी, फिर उसके बाद अचार निकाल लिया मैंने, और उसी में वो गुड़ का चटनी जो होता ना वो इमली और गुड़ का चटनी भी मैंने वो चढ़ा दिया था। तो यहाँ पे देखिए ये सोट वीडियो में डालने के लिए मैंने बनाया था, तो ये ना मतलब एक डब्बे में पूरा टूट गया था, तो जो टूटे हुए थे तो उसे मैंने अलग कर दिया है, और जो साबुत थे खड़े तो उनको मैं अलग रख देती हूँ, और टूटे वाले अलग रख दिया मैंने ताकि ये लोग खा लेंगे आते जाते घूमते, और ये जो साबुत वाले ना जो थोड़े से ही बचे हैं बाकी तो ख़त्म हो गए थे, तो ये फिर उसके बाद मैंने इसमें डाल के भर के रख देती हूँ, फिर ये लोग अपना आस्ते आस्ते खा लेंगे, 2-4 ही बचे हैं, ज़्यादा नहीं बचे हैं। और वैसे भी अब गर्मी आ गया है तो डर भी लगता है खोआ का चीज़ है ना ख़राब ना हो जाए, और उसके बाद अभी घर को थोड़ा सा मतलब झाड़ू लगा दूँगी तो बस हो जाएगा। और फिर उसके बाद ये अभी यहाँ पे ये दूध लाए मतलब दही है तो इसका पापड़ी चाट बनाऊँगी,
तो ये अभी शाम का क्या रात का टाइम हो गया खाने का, तो यहाँ पे ये दही ला दिए थे। तो इमली की चटनी मैंने सुबह बनाई थी, आम की चटनी बनाई थी, तो आम की चटनी तो खाना के साथ ये खाते हैं, और इमली की चटनी इसलिए कि पापड़े मेरे काफ़ी बचे हुए हैं जो मैंने होली पे बनाए थे ना उसी के, तो बस इनको अभी दही मैं ये चीनी डाल के रख दूँगी ताकि ये थोड़ा सा घुल जाए, फिर इसमें वो जो गोल गोल पापड़ी बनाए हैं ना तो वो भी इसी में मैं छोटे छोटे टुकड़े करके, क्योंकि काफ़ी कड़े बन गए थे मुझसे, मैंने बताया ही था बहुत ज़्यादा कड़े बन गए थे, तो बस उसी में भिगो दूँगी तो वो थोड़ा सा नरम हो जाएंगे ना तो सही हो जाएगा। तो बस तो चीनी घुलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो चीनी घुल जाएंगे तो उसके अंदर मैंने टुकड़े टुकड़े करके डाल दूँगी। तो बस देख सकते हैं काफ़ी मतलब खस्ता टाइप के बनाने चाहिए थे लेकिन बहुत टाइट बन गया, पता नहीं कैसे इतना टाइट बन गया। घी तो मैंने अच्छा ही दिया था लेकिन मतलब जो तेल से जैसे रिफाइन ऑयल से मोयन डाला था लेकिन शायद मुझसे कम पड़ गया हो इसीलिए। फिर इसमें ये दही है ना काफ़ी गाढ़ी दही है, अमूल की दही है ना, तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के पतला कर लेते हैं और फिर ये पापड़ी वगैरह जाएगा ना तो ये टाइट हो जाएगा फिर से गाढ़ी हो जाएगी। तो इसमें 5-6 पापड़ी मैंने टुकड़े कर करके मैंने इसमें डाल दिया था ताकि ये नरम हो जाए, फिर उसके बाद सबके कटोरियों में ये निकालते जाएंगे। मैं उसमें दही मतलब इमली की चटनी मिला मिला के दे दूँगी खाना के साथ, तो वो आलू की भुजिया और पराठा बनाया था मैंने और ये पापड़ी दही पापड़ी बना दिया था। तो चलिए इस वीडियो को ये एंड करती हूँ और आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ खा लीजिए, बहुत अच्छा बना था। और ये देखिए कितनी गाढ़ी चटनी बनी है, तो बस पापड़ी में मैं मिलाती जा रही हूँ, ये देते जा रही कटोरी में और सब लोग खाएंगे। तो यही रात का हम लोग का डिनर है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, अगली वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।